देन हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अभी कुछ 5 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी तगड़ा हो रखा है, बारिश भी आई थी लेकिन ये सूरज आज दिखाई नहीं दे रहे, चारों तरफ बादल हो रखे हैं, हल्की हल्की सी बारिश तो आ रही है लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। और आज है गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पे इस पूरी कॉलोनी में गानों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो गाने बजते रहते हैं और यहाँ पे भगवान के भक्त मतलब कि सारे भगवान को बहुत मानते हैं, तो यहाँ पे हर भगवान को मानते हैं तो बाबा को भी मानते हैं। और आज गणेश चतुर्थी है तो उसके लिए आज गाने बज रहे हैं और मूर्ति ला के रखी है, वो अभी 10-15 जब भी वो विसर्जन होगा तो उसको विसर्जन भी करेंगे। और काफ़ी देर से बज रहे थे, अब तो और भी आवाज़ धीरे हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बज रही थी। और आज लगाया बैक बाइसेप, बैठ जाते हैं। आज लगाया बैक बाइसेप, काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट, 10/10। और अभी कुछ रूटीन चेंज कर रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज भी चेंज कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम एक ही रूटीन पे और एक ही एक्सरसाइज लगा रहे थे, मतलब जैसे लेग लगा तो पहले स्क्वाट, बाद में लेग प्रेस और बाद में एक्सरसाइज करके सारे एक्सरसाइज लगाते, तो अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पहले लेग प्रेस लगा दी, बाद में स्क्वाट लगा लिए, बाद बाकी वाली लगा ली, तो आज ऐसी चेस्ट में काफ़ी सारे मतलब चेस्ट में काफ़ी अरे हाँ आज चेस्ट बाइसेप लगाया, सॉरी मैंने गलती से बैक बाइसेप बोल दिया, काफ़ी अच्छा रहा उसमें वर्कआउट और 10/10 हुई, गलती से बस चेस्ट की जगह बैक के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट। और हमने काफ़ी चीज़ें चेंज की, काफ़ी बड़ा अंतर मतलब कि आज पंप भी अच्छा आया और काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट, वर्कआउट जल्दी भी ख़त्म हुआ, देखते हैं अभी थोड़े टाइम तक ही लगे और बाद में अब ऐसे वर्कआउट चेंज करते रहेंगे, मतलब कभी टाइम टेबल चेंज कर लें, कभी शेड्यूल चेंज कर लेंगे, जैसे कि बैक चेस्ट लगा लेंगे, बाइसेप ट्राइसेप लगा लेंगे लेकिन लेग शोल्डर एक ही साथ रहने देंगे, वो लेग थोड़े भारी हैं तो मतलब लेग को थोड़ा हैवी लगाना पड़ता है, तो उसके साथ शोल्डर ही ठीक है। ट्रेन आ गई, कट करता है, ट्रेन जा चुकी है, हल्की सी आवाज़ तो आ रही है, 2 सेकंड बाद में स्टार्ट कर दें तो ठीक है। और ट्रेन की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और अभी अगर ये अगर हम नीचे रहें या फिर कमरे में तो आवाज़ नहीं आती इसकी, गाने बज रहे हैं। और आज काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट, और हमारे बैक लोअर बैक पे काफ़ी पेन हो रहा है, एक दो बार और हुआ है बीच में, लेकिन वो एक्सरसाइज लगाने के बाद में जैसे ही शरीर ठंडा होता है, जिम से वापस आने के 2 घंटे बाद में पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये रात को शायद कुछ गलत सो गए थे, क्या पता कैसे सो गए, वो नीचे ज़मीन पर वो गिद्दा क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं वो लगाक्ष होता है, तो ज़मीन से इतना ऊपर रहता है तो कैसे सो जाते, कभी आधे शरीर उसके ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता, तो पता नहीं उसी वजह से शायद कुछ हुआ है, काफ़ी पेन हो रहा था लेकिन अभी हल्का सा ठीक है, तो पेन तो हो रहा है तो देखते हैं, थोड़ा कल लेग है, अगर ज़्यादा पेन होगा तो क्या कर सकते हैं अभी। और अभी हमने ये क्या बोलते इसको वार्म अप और स्ट्रेचिंग पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दूसरों गलतियों सीख लेना चाहिए, काफ़ी लोगों को हो रहा है अभी इंजरी और बैक में पेन, मेरे शोल्डर में बीच में एक आध बार हुआ था लेकिन अभी शोल्डर ठीक है, रोज़ वार्म अप करता हूँ, बोले कुछ भी लगा शोल्डर का वार्म अप रोज़ होता है। और अभी तक कुछ खास नहीं, बस रोज़ की स्ट्रेचिंग हो रही है और ज़रा सी अब ध्यान दे रहे हैं, बैक थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो देखते हैं जो भी होगा, अब ऐसा लग रहा है जब चेस्ट लगाते हैं तब भी बेल्ट लगाना पड़ेगा, देखते हैं जो भी होता है। और अभी कुछ निकल का व्लॉग भी हमने वहीं पे जाके पोस्ट किया था, दुकान पे जाकर ही, देखते हैं क्या होता है। और बाकी सारी चीज़ें ठीक, कल सैटरडे, कल लेग शोल्डर लगाना है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज आगे पीछे करेंगे, और परसों मंडे है तो मंडे से हम शेड्यूल चेंज करेंगे, बैक चेस्ट ट्राइसेप और बाइसेप और शोल्डर लेग एक ही रहेगा, तो ज़रा शेड्यूल चेंज कर दें, क्या पता कुछ ग्रोथ दिखे। तो और अभी हम हल्का सा वर्क तो कर रहे हैं लेकिन इतना कुछ खास नहीं, तो अब
बल्क स्टार्ट करेंगे। और अपन वे प्रोटीन तो लेते नहीं है, तो अभी काफ़ी सारा सोया पीनट बटर और ये सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे, और तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अपन अगर ऐसे बल्क करने की सोचे तो खाने का मन ही नहीं करता। और आज का वर्कआउट सही में काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि पूरा दिन लेजी गया है आज ना, बस आया मैंने खाना खा मैं खाना खा के सो गया, 1 बजे सोया और कुछ 4 बजे उठा, अभी 5 बज रहे हैं, 1 घंटे पहले उठा हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा वर्कआउट। और धीरे धीरे बारिश तेज़ हो रही है, कैमरे में दिखेगी नहीं और शायद दिख भी रही होगी तो एक दो बूंद कैमरे पे लगी है, तो देखते हैं जो भी होता है। बारिश आ सकती है तेज, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, इतने कुछ खास बादल तो नहीं है लेकिन आ सकती है फिर भी। और ये व्लॉग जैसा भी रहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। और कोशिश करेंगे यार जिम में भी शूट करने का, अब मूड नहीं होता जिम में शूट करने का। सुबह सोचा था ब्लॉग स्टार्ट करने का लेकिन मैं छत पे आया और पापा यहीं पे बैठे थे, पापा ऊपर ही सोते हैं तो यहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सुबह उठ के तो स्टार्ट कर नहीं पाते, नीचे सब होते ही है, मम्मी भाई बहन, तो देखते हैं कभी स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी हमारा लगभग हफ्ते भर से यही चल रहा है, हम इसी टाइम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और एंड भी कर देते हैं। और गाने बज रहे हैं, पता नहीं क्या है कॉपीराइट, और अपने कॉपीराइट से ऐसे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलो बजने दो गाने और मिलते हैं व्लॉग में। और पिछले 3 दिनों से हम एक अपने प्लान के साथ एक चीट कर रहे हैं, हमने सोचा था कि हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो थोड़े दिन सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तो हमें ये शायद मतलब सोशल मीडिया से 5 दिनों तक दूर रहेंगे, आज 3 दिन हो चुके हैं, कल 4 दिन हो जाएंगे, तो हमने ये सोच के नेट का रिचार्ज नहीं करवाया। और हम जब जाते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए तो एक दो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, पहले दिन 10-10 मिनट की 2 की थी और कल 3 कर ली, तो लगभग हम इतना कुछ खास दूर तो नहीं रह पा रहे, तो अभी काफ़ी कम चला रहे हैं, अभी बस आधा घंटा ही चला रहे हैं और पहले 5 घंटा चलाते थे, तो फ़र्क तो है। तो भी अब लगता है 2 दिनों में रिचार्ज करवा लेंगे, इतना कुछ खास नहीं है, हम वीडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये कैमरा बंद करने के बाद भी याद आया तो पोस्ट क्रेडिट सीन मिल जाएगा और मिलते हैं व्लॉग में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes.